मैं अभी जा रहा हूँ ग्लासगो ट्रेन से, लंदन से, वो भी लंदन टू ग्लासगो ट्रेन, और ये है 5-6 घंटे की ट्रेन है, बड़ी लंबी है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इतनी लंबी ट्रेन लेते हो तो आप नेटवर्क नहीं होता तो कुछ यूज़ भी नहीं कर पाते। तो आई थॉट कि कुछ जो लोग आ रहे हैं अभी सितंबर में और जो ऑलरेडी हैं यहाँ पे, उनके लिए एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिससे लोगों को पता चल सके कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करो या अगर आपको कहीं भी यूके में ट्रैवल करना है तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट जिसमें मतलब बेस्ट एज इन टाइम और पैसा दोनों इक्वली है, ठीक है। आप यहाँ पे बेसिकली जब भी आप काम करते हो तो यू ट्रेड इन योर टाइम फॉर मनी, बेसिकली दैट्स द इक्वेशन, राइट? टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। तो बेसिकली जहाँ पे आपका टाइम बचे और फिर पैसा बचे, तो ये दो चीज़ें, और फिर कंफर्ट और बाकी सारी चीज़ें। तो मेजरली जाए जैसे हर कंट्री में, हर सिटी में एक तीन तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तो फ्लाइट हो गया, मतलब आपका एयरप्लेन, फिर उसके बाद आपका ट्रेन और फिर बस, ये तीन तो है ही। तो इनमें से आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए अगर आप यूके में किसी सिटी में ट्रैवल करना चाहते हो तो? बस चीपर है, 100% चीपर है, बहुत चीपर है। कभी कभी आपको अभी तो बढ़ गई है काफ़ी रेट्स, अभी काफ़ी रेट बढ़ गए। पहले तो हमें 10 पाउंड में ग्लासगो टू लंदन, 1 पाउंड में ग्लासगो टू एडिनबरा, ये भी मैंने देखा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक पाउंड में ये भी था, बीच में 1-2 पाउंड में ग्लासगो टू लंदन ये भी हुआ था, 1 पाउंड में, आई एम नॉट इवन किडिंग, 1 पाउंड में ग्लासगो से लंदन आए लोग 1 पाउंड में, मेगाबस के वेबसाइट पे जाके। अब वो नहीं होता, पहले होता था काफ़ी। दूसरा, अभी भी आपको 10-15 पाउंड में आप ग्लासगो से लंदन आ सकते हो अभी भी, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले बुक करना पड़ेगा। और 2-3 ऐसे वेबसाइट्स हैं, 2-3 ऐसे मतलब बस कंपनीज है जिससे आप कर सकते हो। एक तो मेगाबस है, उसके बाद नेशनल एक्सप्रेस है, उसके बाद आई एम नॉट श्योर कि ये काम करती है कि नहीं, इधर नहीं वो नहीं करती हुई, पर ये मेन तो है, मेगाबस और ये नेशनल एक्सप्रेस, ये दो मेन बसेज हैं जो इधर काम करती है। तो इसमें अगर इन दोनों के वेबसाइट पे चले जाओ, जहाँ पे भी सस्ती मिलती है वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब अगर आप नेशनल एक्सप्रेस से आओगे तो आप एक कोच कार्ड बनवा सकते हो, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो। नेशनल एक्सप्रेस का कोच कार्ड होता है जो आपको 17-18 पाउंड का होता है 1 साल का, अभी शायद बढ़ गया होगा, पर 17-20 पाउंड के आसपास 1 साल का होता है, जिसमें आपको 30% ऑफ हो जाता है। मतलब जब भी आप ट्रैवल करोगे और वो कोच कार्ड का नंबर डालोगे ना, तो आपको 30% ऑफ, समझो 10 पाउंड की टिकट है तो फिर 7 पाउंड की मिलेगी आपको बेसिकली हर बार। और फिर अब उसमें क्या था, बस में ना, बस की जर्नी थोड़ी लंबी होती है, मतलब अगर आप सिर्फ आसपास वाले सिटी जाओगे तो घंटा भर तो लग जाएगा, लेकिन अगर समझो ग्लासगो से लंदन जाना है तो 10 घंटे की आपकी बस राइड है, विच इज़ नॉट फेयर, राइट? मतलब बहुत लंबा टाइम हो जाता है। अगर आप ओवरनाइट भी ट्रैवल करोगे तो भी अकड़ जाओगे सीटों में, मैं किया है यार, मैंने किया है बहुत, मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर आपको बहुत गहरी नींद आ रही है और आपको ईजिली नींद आ जाती है ट्रांसपोर्ट में तो फिर सही है, नहीं तो भाई बड़ा वो लफड़े वाला काम है वो भी। एनीवेज, ट्रेन्स, दूसरा ट्रेन्स का क्या सीन है कि ट्रेन्स है बहुत एक्सपेंसिव। मतलब आप, हमने जो तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करा ना मैंने, एक तो हो गया फ्लाइट, बस और ट्रेन, तो सबसे महंगा मेरे हिसाब से ट्रेन ही होगा। फ्लाइट सस्ता है यार, फ्लाइट सस्ता पड़ जाएगा आपको इधर, सबसे महंगा है ट्रेन, फिर है फ्लाइट और फिर है आपकी बस। ट्रेन का भी एक ऐसा जुगाड़ है कि अगर आप जल्दी बुक करोगे तो ऑब्वियसली सस्ता, वो तो फ्लाइट के साथ भी है, जितना जल्दी बुक करोगे उतना सस्ता, लेकिन उसके साथ आप एक रेल कार्ड भी बनवा सकते हो। तो रेल कार्ड से होता क्या है कि आप जब भी कहीं जाओगे तो आप रेल कार्ड अगर अप्लाई करते हो तो आपको 30% सेम वाला चीज़ है, जैसे बस कार्ड का कोच कार्ड बोला ना मैंने, वैसे इधर भी वैसा ही है कि अगर आप वो कोच कार्ड अपना रेल कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको 30% ऑफ हर टिकट पे। तो मतलब 150-200 पाउंड की टिकट है तो काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी। और वही रेल कार्ड अगर आप लंदन में रहते हो, वही रेल कार्ड अगर आपने अपने ऑयस्टर से अगर कनेक्ट कर लिया, ये वाला ऑयस्टर जैसा होता है, बता दो, ये ऑयस्टर होता है ना, जैसे ये ऑयस्टर कार्ड है, इससे अगर आपने अपना रेल कार्ड कनेक्ट कर दिया तो फिर आपको वो ट्यूब में भी थोड़ा सा ऑफ पीक टाइम पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये है, लेकिन ट्रेन्स बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं यार ट्रेन से अच्छा तो फ्लाइट ले लो। फ्लाइट में कैसा होता है कि फ़्लाइट भले ही हो गया आपको कभी अगर बहुत जल्दी बुक कर लो तो 25-30 पाउंड की मिल जाएगी, पर दिक्कत ये है कि वो आपको मिलेगी दूसरे एयरपोर्ट से, मेन एयरपोर्ट से नहीं। जैसे मैं लंदन की बात करो, जैसे हीथरो से आपको नहीं मिलेगी वो। हीथरो में कैसा होता है कि जो सस्ती फ्लाइट्स होती है वो हीथरो नहीं, वो स्टैंडफ्रेड, लूटन, गैटवे इधर आएगी। वहाँ जाने के लिए आपको उतना पैसा लग जाएगा, 15-20-30 पाउंड, तो वो एक हो गया। फिर आप जहाँ उतरोगे वहाँ से आपको टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, मतलब जो भी है समझ लो, ग्लासगो उतरो, न्यूकासल उतरो, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, तो वहाँ से और पैसे लग गए आपके, और 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा आपको एयरपोर्ट, फिर उधर जो भी है। मतलब तो ये बेसिकली आपका टाइम
घुमा फिरा के उतना ही टाइम लग जाता है आपका, 1-2 घंटा ट्रैवल, 2 घंटा आपका पहले जाना, 1 घंटा इधर से जाना, 1 घंटा उधर, तो कुल मिला के 5-6 घंटा तो आप पकड़ लो। 1 घंटे की फ़्लाइट की बात करो, 1 घंटे की फ़्लाइट में आपका 5 घंटा तो कहीं नहीं गया, तो उससे अच्छा तो आप ट्रेन या बस ले लेते हैं, डिपेंड्स। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर लोगों को। बट एनीवेज, ट्रेन महंगी है, पहले बुक करो। जुगाड़ और तो क्या जुगाड़ है कि अगर गाड़ी है आपके पास ना तो बहुत सस्ती है, फिर गाड़ी है आपके पास तो गाड़ी तो बहुत सही है। मतलब ये तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था, ये अगर आप पर्सनल वाला चीज़ अगर करते हो थोड़ा, कि गाड़ी से अगर अपने ट्रैवल करोगे, अगर आपके पास गाड़ी है और आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, तो £50 में आप 4 लोग 5 लोग लंदन आना जाना कर सकते हो। और ना कुछ एप्लीकेशंस भी है जो आप, जैसे कारपूल वाले जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपने अगर वो ऐप यूज़ कर लिया, और कोई अगर लंदन जा रहा है, कोई ग्लासगो जा रहा है, इधर उधर कहीं जा रहा है, तो आप वो गाड़ी उनके गाड़ी में कुछ उनके पैसे दे के दो, वो अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, जैसे £15 हो गया, £20, £30, £40, तो उनको पैसे दिया, आप आराम से गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। तो ये भी आप कर सकते हो, काफ़ी लोग नहीं करते, करना चाहिए। तो ये एक चीज़ हो गई। और बाकी पता है क्या है कि जैसे खाने पीने का, तो मेरे को लगता है कि जैसे ट्रेन में आपको खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल होती है, टॉयलेट अच्छे बड़े होते हैं, बस में थोड़ा सा वो एक लैक चीज़ है, मतलब लैक होती है वो चीज़, जैसे वो रुकती है आधे आधे घंटे में कहीं पर, बस सॉरी आधे घंटे के लिए कहीं रुकती है बीच बीच में, पर मतलब कुछ खाने को वैसा होता नहीं है, जहाँ रुकी वहीं से खाना उठाओ, ऐसा वाला सीन होता है। और ट्रेन का ऐसा है कि ट्रेन तो रुकती रुकती नहीं है, ट्रेन तो चलती रहती है, अनलेस कोई स्टेशन आए, पर उधर भी कोई 10-15 मिनट के लिए रुकेगी, तो वही है कि मतलब इन शॉर्ट ट्रेन बहुत सही है, लेकिन पैसे के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो, टाइम और टाइम की अगर बात करो तो ट्रेन बेस्ट है, पैसे की अगर बात करो तो बस बेस्ट है। और दोनों को अगर थोड़ा मिला लो, और आपके पास अगर थोड़ा जुगाड़ है आप एयरपोर्ट वाला, कि कोई लेने आएगा या कोई है पास में आपका घर ये वो, तो फिर फ़्लाइट एक बार चेक कर लो। दो चीज़ें बताई मैंने, जो एक तो कोच कार्ड है और आपका एक का रेल कार्ड है, ये बना लोगे तो दोनों, अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, जैसे मैं काफ़ी ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैंने दोनों बना रखे हैं, तो मैं जब भी मेरे को कोई ट्रैवल करना है मैं यूज़ कर लेता हूँ ये। मेरे पास होगा, एक मैं दिखाता हूँ, मेरे पास कोच कार्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली, मेरे पास 20 रुपये क्यों है भाई, ये 20 रुपये क्यों है, इंडिया के 20 रुपये मेरे पास क्यों पड़े हैं, आई हैव नो क्लू। मेरे को उस दिन मेरे पैंट में मिले, शायद पता नहीं, मतलब मेरे को सही में नहीं पता क्यों है। कोच कार्ड ये रहा, ये देखो, ये नेशनल एक्सप्रेस का कोच कार्ड है, बस का ये पहले लिया था मैंने, वही है। तो ये कोच कार्ड है, अगर आपके पास ये कोच कार्ड है तो इससे भी काम हो जाएगा आपका। और तो मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, और फिर रेल कार्ड है, और ऑयस्टर तो मैंने दिखाई दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे ट्रैवल के टाइम पे थोड़ा पैसा बचा सकते हो। और वो कारपूल वाला भी बेस्ट है, अगर आपको गाड़ी में ट्रैवल करना है जल्दी से, तो किसी से एक तो कनेक्ट कर लो उससे, वो लोग अपना प्राइस डाल देते, तो वो भी सही है। अभी जैसे यहाँ पे ना ये टिकट वाले भैया भी आते हैं और ये पूछते हैं, तो यहाँ पे ना गलती से भी बिना टिकट के ट्रैवल मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, बिना टिकट के ट्रैवल ट्रेन में तो मत करना, कहीं और पता नहीं कर लो, पर ट्रेन में तो बिल्कुल मत, बस में भी कोई चांस नहीं क्योंकि वो स्टार्टिंग में स्कैन कर लेते हैं, ट्रेन में तो बिल्कुल मत करना। अभी मैं दिखाता हूँ भैया, अरे पीछे से मैं ये मेरा ऐसा टिकट है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ ये देखो मेरा टिकट है। तो ये तो हमारा नहीं पड़ गया ऐसा, और जो रेल कार्ड होता है वो तो फ़ोन में ही होता है, तो उसका कोई कार्ड फिजिकल नहीं होता, फ़ोन में ही होता है। एनीवेज, तो ये था वो मैं बता रहा था, जो एक एक पाउंड में भी मिल जाता है बसों पे, मेगा बस और नेशनल एक्सप्रेस, ये दो चीज़ें चेक करो,
फ्लिक्स बस भी है, फ्लिक्स बस पे भी चेक करो, ओमियो भी है। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, इन पर जाके चेक करोगे तो आपको थोड़ा कंपैरिजन मिल पता चल जाएगा। और फ्लाइट के लिए स्काई स्कैनर है, ईजी जेट है, रायन एयर है, इन पर भी एक बार जाके चेक कर लो टाइम और डेट, जो भी आपका डेट डाल दो तो आपको थोड़ा कंपैरिजन पता चल जाएगा कि कब कैसे कहाँ से मतलब सस्ता पड़ रहा है और कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए।